हेलो दोस्तों, मैंने बाउल में एक पाउडर शक्कर यानी पीसी हुई शुगर मैंने ले लिया और मेल्टेड बटर ले लिया और यहाँ मैं एसेंस डालूंगी और इसे अच्छे से बैलून मिक्सर से फेंट लेंगे। और हाँ, मैं कोई भी क्वांटिटी यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँ। ये है बेकिंग, कुकिंग नहीं है, बेकिंग है, तो इसकी करेक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए। और बनाना मफिन से बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगते हैं, अब एक बार बनाना जरूर इसे। तो इसे अच्छे से फेंट लेंगे बैलून मिक्सर से। तो मैं इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, एक मिनट भी फेंट लेंगे तो चलेगा। इसके बाद देखिए, मैंने क्या किया था ना, मिक्सर जार में मैंने दूध ले लिया था। दूध में मैंने बनाना को अच्छे से तोड़ के डाल दिया था, उसमें अच्छे से डाल दिया था। दो मैंने बनाना लिया था मीडियम साइज का, और मिक्सर में चला लीजिए। उसके बाद चलाने के बाद अच्छे से फेंट ली। अच्छे से मैं शक्कर में इसे मिक्स कर लूँगी और जो थोड़ा थोड़ा बनाना दिख रहा है ना, उसे मैं निकाल दूँगी अलग से, क्योंकि उतनी बारीक नहीं हो पाई थी, मैं थोड़ी बड़ी टुकड़ों में डाल दी थी। सारे ड्राई चीज़ों को मैंने एक ही बाउल में ले लिया था, छन्नी में मैं छान के इसमें डाल दूँगी। मैंने बताया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूँगी, वहाँ देख लेना। बेकिंग पाउडर, नमक, मैदा, बेकिंग सोडा सब इसमें है, और इसे अच्छे से छान लीजिए, बिना छाने मत बनाना कभी भी। इसके बाद यहाँ हम डालेंगे स्पैचुला। स्पैचुला से बस कुछ नहीं करना है, कट फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड। ज़्यादातर कपकेक और मफिन्स दो चीज़ों में ऐसे ही होता है, मिक्सर कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं नहीं जाता। तो देखिए, मैं अच्छे से इसे मिक्स कर इसमें बटर भी गया, शक्कर भी गया, मैदा भी गया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बनाना, दूध सब चला गया। अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे, एसेंस डालेंगे। अब इसे क्या करें, हम मोल्ड में फिल करेंगे। ऐसी थिक चाहिए बस, मतलब रिबन जैसे, पतली भी नहीं और टूट टूट के गिरे ज़्यादातर, वो भी नहीं। तो मफिन्स के मैंने दो ट्रे ले लिया यहाँ पे, यहाँ मैं डाल दूँगी एक बाउल। ये बड़ी वाली मफिन्स की वाली है ट्रे, और ये छोटी वाली सेल होता है, ये छोटा वाला मेरा फिर भी सही है, मार्केट में तो इससे भी छोटा सेल होता है। तो ये देखिए, मैं क्या कर पाइपिंग बैग में फिल कर ली हूँ, उससे डालेंगे तब सबसे आसान होगा। और मैं कढ़ाई में यह नहीं दिखा, कढ़ाई में देखिए केक बन सकता है, पर कप केक और मफिन्स इतने ज़्यादा नहीं बन सकते एक बार में, मुश्किल से 4 से 5 बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो मैं प्रोफेशनल तरीके से बता रही हूँ, और मैं इसे सबको फिल कर दी, एक एक्स्ट्रा हो गया, मैं ओटीजी में बेक करने को रख दी थी। टाइम कितना मैं ये भी लिख दूँगी, देखिए सारा, सॉरी मफिन्स, सारी मफिन्स मेरी खत्म हो गई थी, क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे, बहुत सारे लोग, बच्चे भी थे, तो सब एक एक को उठाए थे, 3 ही 4 बचे थे आपको दिखाने के लिए। तो चलिए, कल मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।